नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इंडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों मैं आपका दोस्त लेके आ गया हूं आप सबके लिए दोस्तों प्यारा सा वीडियो। दोस्तों वीडियो के थंबनेल में आप लोगों ने देख लिया है कि दोस्तों वीडियो किसके बारे में है, बट ये वीडियो उन लोगों के लिए ज्यादातर मैं बना रहा हूँ जो दोस्तों आज के नए स्मार्टफोन में जिनको कॉल रिकॉर्ड करना है, जिसके गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या तो फिर बिजनेस के रिगार्डिंग भी रिकॉर्ड करते हैं। दोस्तों हर बार ये चीज नहीं होती, समझ रहे हो आप। सो उन लोगों के लिए दोस्तों मैंने ये वीडियो बनाया है। तो फाइनली दोस्तों जब ये गूगल डायलर में जो कॉलर अनाउंसमेंट होता है, यानी कि जो मोहतरमा मैडम जी हमें बताते हैं जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के कि आपका कॉल रिकॉर्ड हो रहा है, ये क्या है? हाँ दोस्तों, तो ये चीज बंद करने का एक अच्छा सा सॉल्यूशन आ गया है। तो जिसकी वजह से आप जब भी अभी किसी को कॉल करोगे अपने गूगल डायलर से, तो योर कॉल हैज नाउ बीन रिकॉर्डेड वाला टोन अनाउंसमेंट आपको नहीं मिलेगा, गारंटी है दोस्तों। अभी मजा आएगा ना वीडियो, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। पसंद आए तो दोस्तों लाइक एंड शेयर जरूर से करना। सो दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो के सेटिंग्स पे। तो दोस्तों मेरे स्क्रीन पे अभी आप देख रहे हो। सो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आपको प्ले स्टोर ओपन कर देना है। प्ले स्टोर ओपन करने के बाद वहाँ पे सर्च करना है TTSLEXX, यानी कि दोस्तों इस तरीके का आपको एप्लीकेशन दिखाई देगा जिनको सिंपल से आपको इंस्टॉल कर देना है। इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको मिनिमाइज करके आपके फ़ोन के सेटिंग में चले जाना है। फ़ोन के सेटिंग में दोस्तों ये हर एक के स्मार्टफोन में अलग अलग जगह पे दिखाई आपको ये सेटिंग दिखाई देगा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो आप सिंपल सा उसको सर्च बार से आप क्लिक करके सर्च कर लीजिए, अदरवाइज आप इसको एसेबिलिटी में जाके भी ढूंढ सकते हो, एडिशनल सेटिंग में भी ये हो सकता है। तो वहाँ पे आपको सिंपल सा खाली टेक्स्ट लिखना है। टेक्स्ट लिखते ही काफ़ी सारा ऑप्शन आ जाएगा, जहाँ पे ये वाला टेक्स्ट टू स्पीच वाला ऑप्शन आपको सिलेक्ट कर देना है। टेक्स्ट टू स्पीच आउटपुट में जाने के बाद यहाँ पे प्रेफर्ड इंजन में अभी स्पीच सर्विस बाय गूगल है, जिस पे हमें क्लिक करके दोस्तों TTSL जो हमने एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी वो बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करना है। तब एक छोटा सा दोस्तों आपको अटेंशन देगा कि आपका डेटा, पर्सनल क्रेडिट कार्ड्स के नंबर वगैरह हम यहाँ पे इसको कलेक्ट करेंगे। बट दोस्तों ये आपको खाली अटेंशन दे रहा है, हालांकि दोस्तों ये कोई भी एप्लीकेशन, ये एप्लीकेशन में आपको कोई भी परमिशन रिक्वायर्ड नहीं है। सो दोस्तों डोंट वरी, और कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है, तो आपका डेटा कहीं पे भी लीक नहीं होगा दोस्तों, ये पूरा सेफ एंड सिक्योर है। आप सिंपल दोस्तों के ऊपर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद मिनिमाइज कर दीजिए। मिनिमाइज करने के बाद अपना जो होम स्क्रीन बटन होता है उसको लॉन्ग प्रेस करके रखिए ताकि गूगल असिस्टेंट ऑन हो सके। ऑन होता है, ऑन होने के बाद आपको सिंपल से उसको स्टॉप कर देना है। स्टॉप करने के बाद जो ये कॉल वाला ऑप्शन हमें यहाँ पे दिख रहा है उनको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, और उसके ऐप इन्फॉर्मेशन में हमें जाना है। ऐप इन्फॉर्मेशन में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे स्टोरेज एंड चेसिस का नाम दिखाई देगा। वहाँ पे जाने के बाद दोस्तों क्लियर चेस करना है। क्लियर चेसिस करने के बाद यहाँ पे क्लियर स्टोरेज करना है। बट इससे पहले दोस्तों क्लियर स्टोरेज करने से पहले दोस्तों अगर आपके पास कोई भी इसमें इंपॉर्टेंट कॉल हिस्ट्री है तो उसे आप प्लीज़ सेव कर लीजिए, क्योंकि क्लियर स्टोरेज करने से आपका डेटा भी लॉस्ट हो सकता है ओनली फॉर कॉल हिस्ट्री का। सो दोस्तों क्लोर इसको डिलीट कर देते हैं, यानी कि क्लियर स्टोरेज कर दिया। उसके बाद दोस्तों सिंपल सा आपको बंद करके वापस अगेन आपको नॉर्मल कॉल करना है। तो दोस्तों यहाँ पे आप मैंने है ना कॉल लगा दिया है। कॉल लगाने के बाद दोस्तों आप लोग देखोगे कि स्पीकर ऑन है, जिससे मैं रिकॉर्ड बटन पे दोस्तों क्लिक करूंगा यहाँ पे अनाउंसमेंट अब नहीं होगा। सो दोस्तों ये चीज़ काफ़ी अमेजिंग है, और दोस्तों जैसे ही आप स्टॉप रिकॉर्डिंग पे क्लिक करोगे कोई भी टाइप का अनाउंसमेंट नहीं जाएगा सामने वाले को, तो आप बिना टेंशन के दोस्तों आप किसी का भी कॉल रिकॉर्ड कर पाओगे। दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ डू लाइक डू सब्सक्राइब एंड डू शेयर, और दोस्तों अगले वीडियो तक स्टे ट्यून्ड।